अस्सलाम वालेकुम। हाय हेलो प्रीवेत, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं तुर्किश मॉस्क, जिसे सेंट्रल मॉस्क ऑफ बिश्केक भी कहा जाता है, वहाँ पर आई हूँ। ये बिश्केक की सबसे बड़ी और बहुत खूबसूरत मस्जिद है। इस मस्जिद की कंस्ट्रक्शन 2012 में स्टार्ट की गई, जो जाकर कंप्लीट 2018 में हुई। और 2 सितंबर 2018 में ओपनिंग सेरेमनी जब मस्जिद की हुई थी, तो उसमें किर्गिस्तान के सदर सोरोनबाई जेनबेकोफ और तुर्किश सदर रजब तैयब अर्दोगान शामिल थे। इस मस्जिद के फाउंडर जो है वो तुर्किश दियानत है, और ये सेंट्रल एशिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक मस्जिद है। ये मस्जिद तुर्की की तरफ से किर्गिस्तान के लिए एज ए गिफ्ट के तौर पर बनाई गई, एज ए ब्रदरहुड के तौर पर बनाई गई, क्योंकि हमेशा से किर्गिस्तान और तुर्की की जो फ्रेंडशिप है वो बहुत मजबूत होती चली आ रही है, और इसकी मिसाल ये एक है। इस मस्जिद के आर्किटेक्चर की बात करें तो इस मस्जिद के चार मीनार हैं, और हर एक मीनार में चार बालकनियां हैं, और मस्जिद के चार मेन दरवाजे हैं। और जिस साइड से मैं वीडियो बना रही हूँ वो मस्जिद की बैक साइड है। माशाल्लाह, जितनी बाहर से खूबसूरत है उतनी ही अंदर से खूबसूरत मस्जिद है। ये मस्जिद तुर्की की आया सूफिया मस्जिद से रिसेम्बलेंस करती है, क्योंकि ये तुर्किश ने बनाई है और उसी के नक्शे के तौर पर यह मस्जिद यहाँ पर बनाई गई है। इस मस्जिद में 30,000 से भी ज्यादा नमाजियों के लिए जगह मौजूद है। जो सुकून अल्लाह ताला के घर में आकर मिलता है वो दुनिया की किसी जगह पर नहीं। माशाल्लाह, मस्जिद अंदर से बहुत खूबसूरत है, और जो सुकून अंदर है वो आपको मैं बयान नहीं कर सकती।
ये मस्जिद की मेन एंट्रेंस है और मेन एंट्रेंस के साथ ही खूबसूरत सा पार्क बना हुआ है। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा और बहुत पसंद आएगा। तो फिर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। यहाँ पर दीजिए अपनी इजाजत, अल्लाह हाफिज़।